कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट्स 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके आपको बताएंगे खाद तेल बाजारों के भाव और मार्केट ट्रेंड, साथ ही पोर्ट की क्या स्थिति रही, पोर्ट की स्थिति के बाद आपको इम्पोर्ट में किस तरीके से सोया ऑयल का इम्पोर्ट हो रहा है इसकी जानकारी भी देंगे। साथ ही आपको बताएंगे इंटरनेशनल बाजारों में आज क्या हलचल रही है, इंटरनेशनल बाजारों के बीच बारे में भी आप लोगों को जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं खाद तेल बाजारों में, चावल रिफाइंड से बात कर लेते हैं। पंजाब में जैसे कि चावल रिफाइंड तेल का भाव जो देखा गया 130 रुपये इस महीने पूरे महीने, कांडला अगर बात करी जाए कांडला सोया की रिफाइंड की तो 124 रुपये, ओलिन 112 रुपये ऊपर बिका है। कोलकाता में चावल रिफाइंड हल्दिया ओलिन से फिलहाल ऊपर बिक रहा है। कोलू तेल जयपुर 140 रुपये से लगातार नीचे बना हुआ है। सरसों में भी 7000 रुपये के नीचे बराबर बाजारों में कामकाज देखा जा रहा है। अगर बात करेंगे इंदौर प्लांट डिलीवरी में सोयाबीन जयपुर सरसों से 1000 रुपये नीचा है। अभी कोटा सरसों में इंदौर सोयाबीन भी 30 रुपये किलो की बाजारों में गिरावट के साथ बाजारों में कामकाज हो रहा है। सोया तेल में बड़ा डिस्काउंट होने से ओलिन की डिमांड निचले स्तर से लगातार रिकवर हो रही है, तो भी ओलिन बराबर आप देख रहे हैं कि ओलिन फॉरवर्ड में सौदे होने के कारण ओलिन लगातार नीचे जा रहा है। कांडला में ओलिन से सोया 10 रुपये किलो इस समय सस्ता चल रहा है, जबकि सीपीओ इंपोर्ट पर $90 टन की ड्यूटी भी है। ओलिन बहुत जल्द 110 रुपये का लेवल ब्रेक कर सकता है। फॉरवर्ड में हाई सी सीपीओ अगर रेडी के हिसाब से देखा जाए तो 8 रुपये किलो सस्ता बिक रहा है। सोया रिफाइंड कांडला में 120 रुपये के नीचे बाजारों में आने की संभावना नजर आ रही है। अगर बात करें भारत में सोया तेल इंपोर्ट की, आज के भावों से कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं है, केवल लागत पूरी हो रही है। सीपीओ की रिफाइनिंग अभी भी 8 रुपये किलो में एक्स्ट्रा मार्जिन अभी भी दिखाई दे रहा है। अगर बात करी जाए सीबॉट सोयाबीन में, अगर सीबॉट सोयाबीन कल कंसोलिडेट हुए हैं 5 दिन की तेजी के बाद, कल हल्का से गिरावट के साथ कामकाज हुआ है। अमेरिका में नई सोया फसल में मौसम का खतरा बना हुआ है, कई एरिया में कटाई की भी देरी के आसार नजर आ रहे हैं। अमेरिका में कई प्लांट अभी मेंटेनेंस की स्थिति में है। चीन में और अमेरिका के नए सीजन में सोयाबीन खरीद सुस्त भी रह सकती है, क्योंकि लगातार कोविड के केसेस बढ़ने के कारण वहां पर डिमांड घटी हुई है। इसी के तहत सोया ऑयल का जो कल भाव रहा 125 रुपये पर कामकाज हुआ। पामोलिन की अगर बात करें, पामोलिन का भाव 122 रुपये रेडी में रहा, फॉरवर्ड का सौदा 111 रुपये तक बोला गया। राइस ब्रान ऑयल की स्थिति 117 रुपये बाजारों पर कामकाज हो रहा है। मस्टर्ड ऑयल का भाव 137 रुपये रहा। सोयाबीन सीड एमपी लाइन का भाव 6000 रुपये के आसपास काम किया। चलिए बताते हैं कांडला पोर्ट में क्या स्थिति रही। कांडला पोर्ट में सीपीओ 1037 रुपये का भाव रहा, फॉरवर्ड में 957 रुपये का। पामोलिन का भाव 1125 रुपये का, सोया रिफाइंड का भाव 1225 रुपये का, सोया डिगम का भाव 1215 रुपये का, फॉरवर्ड का भाव 1160 रुपये का, सनफ्लावर का भाव 1570 रुपये का। केएलसी इंटरनेशनल बाजारों में कल 70 रिंगिट प्लस होकर बंद हुई। बाजारों में आपने देखा कल बाजारों में उतार चढ़ाव देखा गया, जो मलेशिया ने जो ड्यूटी थी उसको बढ़ा के अब अक्टूबर तक कर दिया, उसका इम्पैक्ट एक बार बाजारों में गिरावट आई, लेकिन सारी गिरावट कवर कर ली। उसके बाद बाजारों में एक अच्छी रिकवरी देखी गई। अगर बात करेंगे केएलसी आज जो आज के हिसाब से ओपन हुई है, आज केएलसी सुबह हल्की सी गिरावट के साथ -36 रिंगिट बाजारों में ओपन हुई है। सोया ऑयल सीपीओ का सपोर्ट रेजिस्टेंस डाल लेते हैं। सोया ऑयल का अगर करंट की बात करें, सोया का सपोर्ट का लेवल 123 रुपये है, रेजिस्टेंस का लेवल 126 रुपये। पामोलिन का सपोर्ट का अगर रेडी का अगर सपोर्ट का लेवल 120 रुपये, फॉरवर्ड का सपोर्ट का लेवल 110 रुपये। इसी तरीके रेजिस्टेंस का लेवल 124 रुपये, फॉरवर्ड का रेट 113 रुपये के आसपास देखा जा रहा है। राइस ब्रांड में सपोर्ट का लेवल 116 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 119 रुपये। मस्टर्ड सीड की अगर सपोर्ट की बात करें, मस्टर्ड सीड 6300 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 7000 रुपये। लगातार आप देख रहे हैं 6500-7000 रुपये की रेंज में बाजारों में मस्टर्ड सीड में कामकाज देखा जा रहा है। इसी के तहत सोयाबीन सीड के अगर सपोर्ट की बात करते हैं, सोयाबीन का सपोर्ट का भाव 5900 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 6500 रुपये। तो बाजारों में यहाँ पर लेवल में आप सोयाबीन और सरसों में यहाँ पर लेवल अच्छे हैं, यहाँ पर आप जरूरत के हिसाब से आप खरीदारी करके चल सकते हैं। बाजारों में आने वाले सितंबर महीने में आपको बाजारों में एक हल्की सी रिकवरी दिखाई दे के चल सकती है, क्योंकि जो अमेरिका में फसल का कटाई में जो देरी हो रही है उसका इम्पैक्ट बाजारों में सोयाबीन के बाजारों में आपको दिखाई दे के चल सकता है। तो मार्केट का ओवरऑल आउटलुक बाजारों में अभी ज़रूरत के हिसाब से खरीदारी करिए, जो भी फ्रेश खरीदारी करनी है सितंबर का मंथ आ जाने दीजिए, फिर फ्रेश आप लोग खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। फिर मुलाकात होती है आप लोगों से एक नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट्स 24।